अब ये मुझे देख रहे हैं या मैं इन्हें, बहुत लगी पड़ी थी। जल्दी से करते हैं यार, अब कंप्लीट भूख लग रही है। Alright friends and welcome back to Samba Official. आज हम लोग करने वाले हैं सिडनी में जो होता है वर्ल्ड का सबसे बड़ा फन रन, जिसका नाम है सिटी टू सर्फ। इसमें हम लोग पार्टिसिपेट करेंगे। नॉर्मली ये रन फिजिकली किया जाता है मैराथन की तरह, जहाँ पे सारे लोग एक स्पॉट से स्टार्ट करते हैं और दूसरी तरफ एंड करते हैं 14 किलोमीटर्स का ये रन। इस साल कोविड के वजह से वो रूट पे इस तरह बहुत सारे लोगों के पार्टिसिपेशन को पॉसिबल नहीं कर पा रहे थे ये लोग, तो इन्होंने वर्चुअल रन का अरेंजमेंट किया है। तो चलो मैं आपको साथ में लेके चलता हूँ और दिखाता हूँ कुछ अच्छे अच्छे नज़ारे, जो कि मैं हर बार करता ही हूँ। और जुड़े रहिए और इन्जॉय करिए इस वीडियो को। One kilometer is done. तो मैंने कहा चलते चलते आपको ये भी बता दूं, ये इस रन का है 50th year. It's the 50th anniversary of this run and it was almost cancelled this year. ये सिटी में स्टार्ट होता है एंड एक हिली एरिया से होते हुए अल्टीमेटली जाके बोंडा बीच है, वहाँ पे एंड होता है। ये वाला रास्ता इस बार बुक करने की पॉसिबिलिटी हो नहीं पा रही थी बिकॉज ऑफ कोविड, सो दिस ईयर दे डिसाइडेड टू नॉट स्किप द रन थैंकफुली, और इन्होंने वर्चुअल रन अरेंज किया है। ये स्क्रीनशॉट में आप देख पा रहे हैं, लेफ्ट साइड पे जो मैप है वो इवेंट मैप है। इनका क्लासिक रूट है, हर साल वही रूट होता है सिटी से लेके बोंडा बीच तक, वो चल रहा है। और राइट साइड पे है एक्चुअल मैप, जो रूट हर इंडिविजुअल पार्टिसिपेंट यूज़ कर रहा है। जस्ट अभी 2 किलोमीटर्स कंप्लीट हो गया है और हम लोग आके खड़े हो गए हैं एक ट्रैफिक इंटरसेक्शन पे। स्कूल जाने का मन कर रहा है मेरा भी। ये तो पेड़ पे ही उग रहा है, क्या बोलते थे उसे, रजनीगंधा। किलोमीटर हो गया, हम लोग आ गए हैं बिल्कुल पार्क के सामने। ये पीछे जो आप देख रहे हो ये कीचड़ कीचड़ सा पॉन्ड है, बट अभी और अच्छे वाले आएंगे, इसमें लेक्स पॉन्ड सब आएंगे। पार्क की एंट्रेंस से मुझे लगा था थी थोड़ी सी और आगे, बट यहीं से मिल गई। ये देखो यहाँ से डायरेक्ट कूद ही मार लो वहाँ पे, वो देखो किंगफिशर वाले फॉन्ट में लिखा हुआ है रॉयल रैंडविक। मस्त साइकिलिंग बात है यार ये वाले पेड़ ने यहाँ से करा लिया क्रू कट और यहाँ पे इसने वाला रखा है। अच्छा स्टाइल लग रहा है, मैं भी ऐसे ही बाल कटाऊंगा नेक्स्ट। अब ये मुझे देख रहे हैं वॉक स्लैश रन, भाई वॉक ही है यार, मोस्टली वॉक ही है, ठीक है। बट अब स्वाद आ रहा है ना। आई एम पॉन्डरिंग वाइल वॉकिंग बाय द पॉन्ड दैट विच पॉन्ड शुड वी गो टू नेक्स्ट। मस्त है स्टाइल है ना। तारे जमीन पर में आमिर खान का यही था क्या? फोर के का पॉइंट हमारा यहाँ पे क्रॉस हो गया है। ये साइड पे हमारे जो पार्क चल रहा है ये हॉर्सेस के लिए, जहाँ लिखा है गिव वे टू हॉर्सेस। है ना मस्त जगह रनिंग करने के लिए। जो मैप का हिस्सा आप देख रहे हो ये वो वाला हिस्सा है जिसको हम कहते हैं स्टार्ट ऑफ द हिल। ये बड़ी गंदी क्लाइम थी क्योंकि हिल स्टार्टिंग में हल्का सा
कम इंक्लाइन पे था, बट बाद में बहुत ज्यादा इंक्लाइन होता है। मेरे जैसे बंदे के लिए जो ज्यादा रनिंग वगैरह नहीं करता है, फट गई थी बॉस। अब आप ये तो समझ ही गए होंगे कि मैं दो स्टोरीज पैरेलल में आपको दिखा रहा हूँ इस वीडियो में, एक जो आज हो रही है, दूसरी वो जो पिछले साल हुई थी, ताकि आप इवेंट का एक्चुअल मजा क्या होता है उसको थोड़ा सा रिलेट कर पाओ। हाफवे हो गया। और अब हम लोग क्रॉस कर रहे हैं इवेंट मैप पे, आप देख सकते हो टॉप ऑफ द हिल, ये वो तगड़ी हिल का वो टॉप वाला पॉइंट है जहां से बहुत अच्छा व्यू आता है सिटी का। टॉप ऑफ द हिल के आगे आप देख रहे हो आगे एक ऐसे शेप करके ऐसे बना हुआ है, वो यू टर्न जो लंबा सा है वो सबसे फ्रस्ट्रेटिंग पार्ट था मेरे लिए पर्सनली, क्योंकि टॉप ऑफ द हिल के हाथ बहुत लगी पड़ी थी, टॉप ऑफ द हेड पे सन था। ये पार्क में पहले हम लोग आ चुके हैं, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो ये रहा उसका लिंक टॉप राइट पे। एंड 8 किलोमीटर्स आर डन, थोड़ी सी फटनी चालू हो गई है ऑनेस्टली, बट कोई नहीं, लेट्स पुश ऑन। अब हम लोग पार्क से थोड़ा बहुत बाहर निकल चुके हैं ऑब्वियसली, और थोड़ा बहुत ऐसे एरियाज में हैं जहाँ पे शॉप्स वॉप्स हैं, तो मैंने ये खरीद लिया है। 9 किलोमीटर्स आर डन एंड फ्लूइड्स हैव बीन रेप्लेनिश्ड, एम्प्टी करने बाकी हैं अभी। 10 किलोमीटर क्रॉस हो गए हैं, 4 और बचे हैं। हम ऐसे एरिया से गुजर रहे हैं जहाँ बहुत ज़्यादा अंधेरा है, बट कोई बात नहीं, येलो लाइट आ गई। 11 किलोमीटर्स डन एंड वी गोइंग ऑन, 3 बचे हैं, जल्दी से करते हैं यार अब कंप्लीट, भूख लग रही है। जो आप लोग अभी देख रहे थे मैप का, उसमें 2 ऐसे शेप्स हैं ऐसे करके, फिर ऐसे और लास्ट में स्ट्रेट स्ट्रेच, वो लास्ट वाला जो स्ट्रेट स्ट्रेच था उससे पहले ही वो टर्न्स पे आपको थोड़ा थोड़ा बीच दिखना स्टार्ट हो जाता है, बोंडा बीच। दैट इज एन अमेजिंग फीलिंग जब आप 11-12 किलोमीटर्स चल चुके होते हो एंड यू आर जस्ट गेटिंग टू सी लास्ट का वो पार्ट, इट्स वेरी इनकरेजिंग, एक पुश मिलता है बॉडी को माइंड को। 12 किलोमीटर्स डन, 2 टू गो, फीलिंग फ्रेश एज एवर, वेल नॉट क्वाइट, बट भूख लग रही है यार, भूख लग रही है। कूल वैन, सपोज्ड टू बी अ फन रन। ये सारे खाली खाली से बेंचेस, खाली इलाके देख के पता है किस चीज़ की याद आ रही है, इस चीज़ की कि ऑलमोस्ट हर 2-3 किलोमीटर पे आपको कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ दिख जाती थी जो आपके लिए बहुत मोटिवेटिंग, बहुत इनकरेजिंग होती थी। वन ऑफ दोज थिंग्स वॉज द पीपल हु लिव अलॉन्ग द स्ट्रीट्स विच आर ब्लॉक्ड ऑफ फॉर द रन, वो लोग अपनी बालकनीज में आके पूरा पार्टी कर रहे होते थे और आपको चेयर ऑन कर रहे होते थे। अभी आप मैप देखिए, उस पर आपको जो रेड फ्लैग दिख रहा है वो लास्ट का फिनिशिंग पॉइंट है, फिनिश लाइन है, और वहाँ से जो मेरा आइकन आपको दिख रहा है मैं वहाँ पे कहीं हूँ, तो मैं बीच के अलोंग चल रहा था एंड दैट वाज अ वंडरफुल फीलिंग, सारे वहाँ पे चेयर करते हुए इतने सारे लोग। ये लास्ट का स्ट्रेच मैं कंप्लीट करता हूँ, लास्ट का 1 किलोमीटर रह गया। You did it. Congratulations on completing the Sun Herald City to Serve. 14 kilometers are done. So now that's the end of this particular run. इसमें आपने देखा मैंने 2 stories को साथ में combine किया. So do let me know how you like that. If you did enjoy this video, do subscribe to the channel and please share it with your family and friends as you deem fit. Thank you so much for watching and have a lovely day. Cheers.